दोस्तों, क्या कभी आपने एक जिंदा एलियन को देखा है या फिर एक ऐसा बंदर जिसका आधा शरीर भालू का था? वैसे पूरी दुनिया तब हैरानी में पड़ गई जब बाकायदा एक जलपरी समुद्र के किनारे फंसी हुई मिली। इस जलपरी को समुद्र से निकाल लिया गया है और इसके ऊपर वैज्ञानिक जांच चल रही है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं और कुछ हैरान कर देने वाले जीवों को ही देखते हैं। लेकिन जब तक ये वीडियो आगे बढ़े, तब तक आप भी जल्दी से अपने हाथों को आगे बढ़ाए और सब्सक्राइब बटन अवश्य दबा डालें। एलियन का कंकाल। यह कंकाल वर्ष 1996 को रूस में खोजा गया था। जब एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था तो उसे यह कंकाल मिला। अब किसान को लगा कि यह किसी मानव बच्चे का कंकाल है, इसलिए उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस वालों को यह कंकाल बड़ा ही अजीब लगा, इसलिए उन्होंने इसे जाँच के लिए लैब में भेजा। और जब वैज्ञानिकों ने अपनी जाँच की तो वह हैरान रह गए, क्योंकि इस कंकाल की हड्डियाँ खोखली थी और इसमें ऐसे अंग थे जो किसी भी इंसान में नहीं पाए जाते। ऐसे में ये माना गया कि यह कंकाल किसी बाहरी ग्रह से आए प्राणी का है। वैसे यह कंकाल काफी छोटा था, इसका मतलब है कि या तो एलियन छोटे आकार के ही होते हैं या फिर यह किसी एलियन के बच्चे का कंकाल था। कूड़ेदान में एलियन। यहाँ अमेरिका की सड़कों पर एक कायोटे दौड़ लगा रहा है। कायोटे दरअसल एक प्रकार का भेड़िया होता है जो अमेरिका में बड़ी संख्या में पाया जाता है। ये भेड़िया सामान्य भेड़ियों की तुलना में आकार में छोटा और कम खतरनाक होता है, इसलिए कायोटे अमेरिका में लोगों के घरों के आसपास अक्सर दिखाई दे जाते हैं। इस वीडियो में जब कायोटे आगे बढ़ रहा था तो उसके निकट मौजूद एक कूड़ेदान से अचानक एक अजीब सी चीज़ बाहर आती है और दौड़ना शुरू कर देती है। इस चीज़ को देखकर कायोटे इसका पीछा करता है, परंतु ये वस्तु जल्दी गायब हो जाती है। जिस तरह से यह अजीब चीज दौड़ लगा रही थी, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि हो न हो यह कोई एलियन प्रजाति का ही जीव है जिस बेचारे को कोई कूड़ेदान में फेंक गया था। हाइब्रिड बंदर। दोस्तों, दक्षिणी एवं पूर्वी यूरोप के निकट एक छोटा सा देश है आजरबाईजान। हालांकि भौगोलिक रूप से यह देश एशिया महाद्वीप में ही आता है। इस देश के एक निवासी ने इंटरनेट पर अपने बंदर का एक वीडियो डाला, जो बंदर बड़ा ही अजीब और अनोखा था। इस बंदर का चेहरा इंसानों जैसा था, मगर शरीर पर भालू से भी अधिक लंबे बाल थे। ऐसे किसी भी नस्ल के बंदर दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, इसलिए कुछ लोगों का दावा था कि यह बंदर असल में एक भालू एवं बंदर की मिलीजुली संतान है। वैसे सभी प्रकार के बंदरों के चेहरे पर भी बाल होते हैं, परंतु इस बंदर का चेहरा बिल्कुल ही बालों रहित है। ऐसे में ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये जीव है क्या। फिजी की जलपरी। ये एक तरह के अवशेष है जिन्होंने लंबे समय तक पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरानी में डाला हुआ है। इन अवशेषों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस जीव का आधा शरीर मछली का और आधा शरीर इंसान का है। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि ये अवशेष 1850 के आसपास जापान से प्राप्त हुए थे, जिन्हें बाद में अमेरिका और फिजी ले जाया गया। फिलहाल ये अवशेष फिजी में ही रखे हुए हैं। इन हैरान कर देने वाले अवशेषों की कई बार जाँच हुई। नॉर्थ केंटुकी विश्वविद्यालय के रेडियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर ने भी इन अवशेषों की बारीकी से जांच की। उनका कहना था कि मैंने कभी भी अपने जीवन में ऐसे अजीब अवशेष नहीं देखे हैं। इन्हें देखे जाने से ऐसा लगता है कि जलपरियां सच में हमारे समुद्रों में पाई जाती रही है। हो सकता है कि वो अभी भी छुपकर रहती हों, या फिर सैकड़ों सालों पहले ही जलपरियां किसी कारण से विलुप्त हो गई हों। एक संभावना ये भी बनती है कि इस तरह के जीव पृथ्वी पर ना पाए जाते हों, बल्कि ये जीव अतीत में किसी और ग्रह से पृथ्वी पर भेजा गया हो। छोटी परी। किस्से कहानियों में ये माना जाता है कि पेड़ों पर बेहद ही छोटी छोटी उड़ने वाली परियां निवास करती हैं। हालांकि कभी भी किसी ने इन परियों को देखा नहीं है, लेकिन इस वीडियो में देखिए, यहाँ एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था, तभी उसके पास एक विचित्र कीट उड़कर गया। ये कीट पेड़ पर जा बैठा और व्यक्ति ने अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर इस कीट को फिल्माना शुरू कर दिया। कीट थोड़ी देर के लिए पत्तों के बीच में जाकर छुप गया, परंतु खोजबीन के बाद व्यक्ति ने इसे ढूंढ निकाला। आप देख सकते हैं कि इस छोटे से कीट का शरीर इंसानों ऐसा है और ये उड़ भी रहा है। कुछ ही पलों बाद ये कीट हवा में उड़ता हुआ इस व्यक्ति से दूर हो गया और उसके बाद इसे कभी नहीं देखा गया। अब कौन जाने कोई भवरा था या सच में वृक्षों पर बसने वाली कोई परी थी। छत पर एलियन। दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले एक बंदे के उस समय होश उड़ गए जब उसने देखा कि उसके घर की छत पर एक एलियन टहल रहा है। इस व्यक्ति ने तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और एलियन को फिल्माना शुरू कर दिया। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि छत पर बैठे इस जीव का सर काफ़ी बड़ा और धड़ छोटा है। अब ये एलियन इतनी ऊपर कैसे चढ़ा ये तो पता नहीं, लेकिन चिंता इस बात की है कि ये बेचारा नीचे कैसे उतरेगा। वैसे इस तरह से एलियन देखे जाने की अधिकतर घटनाएँ केवल अमेरिका में ही होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका वाले इस तरह की झूठी वीडियो बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हों, या फिर ऐसी वीडियो सच्ची होती हैं? आपकी क्या राय है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। पिंजरे में भूत।
रोमानिया के एक चिड़ियाघर की खबर की वजह से दुनिया भर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने दावा किया कि इस चिड़ियाघर में एक भूत को कैद करके रखा गया है। व्यक्ति का दावा था कि भूत को असल में चिड़ियाघर के बेसमेंट में रखा गया था और अपनी बात सही साबित करने के लिए इस व्यक्ति ने इस भूत का वीडियो भी बनाया। हालांकि चिड़ियाघर कर्मियों का इस वीडियो के बाबत ये कहना था कि ये जीव असल में भूत नहीं बल्कि कंगारू है, परंतु देखने में ये जीव कंगारू जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इस जीव की त्वचा पर बाल नहीं है और इसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी एवं डराने वाली है। हालांकि बाद में ये चिड़ियाघर बंद हो गया क्योंकि यहाँ जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था, परंतु वीडियो में दिखा ये जीव क्या था इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। डॉगमैन, ये वीडियो एक व्यक्ति द्वारा उस समय शूट किया गया था जब वो व्यक्ति मध्य अफ्रीका में घूमने गया था। एक सुनसान इलाके से गुजरते समय इस व्यक्ति को कुछ कुत्ते दिखाई दिए, परंतु ये व्यक्ति उस समय हैरानी से भर गया जब इसने पाया कि उन कुत्तों के साथ साथ एक इंसान भी बिल्कुल कुत्तों की ही भांति दौड़ लगा रहा था। ऐसा लगता है मानो ये व्यक्ति इन कुत्तों द्वारा ही पाला गया है, इसलिए इसके चलने का तरीका हूबहू कुत्तों से मिल रहा है, वैसे ही जैसे एक प्राचीन टीवी शो जंगल बुक में मोगली को भेड़ियों द्वारा पाला गया था। जंगल बुक भी असल सत्य घटना पर आधारित एक शो था। जंगल बुक की कहानी को सबसे पहले उपन्यास के तौर पर रुडियार्ड किपलिंग द्वारा लिखा गया था। किपलिंग को यह उपन्यास लिखने का विचार जंगल में मिले एक ऐसे बच्चे को देखकर आया था जो बच्चा जंगल में भेड़ियों के साथ रह रहा था और भेड़ियों जैसी ही हरकतें कर रहा था। जलपरी, दोस्तों वैसे तो जलपरियां देखे जाने की घटना दुनिया भर में होती रहती है, परंतु फिर भी वैज्ञानिक जलपरियों का अस्तित्व मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन इस वीडियो में तो वैज्ञानिकों की टीम ही एक जलपरी को उठाए ले जा रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कई सारे रिसर्चर जलपरी को अपने हाथों में संभाले हुए समुन्द्र से बाहर ला रहे हैं। ये वीडियो अमेरिका के मिनेसोटा का है। बताया जा रहा है कि एक जलपरी यहाँ के समुद्री किनारों पर फंस गई थी जिसकी जाँच करने हेतु कुछ वैज्ञानिक आए। वैज्ञानिकों ने इस जलपरी को वापस समुद्र में छोड़ने की बजाय इसे अपने हाथों में उठाया और अपने लैब में ले आए। अब यदि ये वीडियो सच्चा है तो पता नहीं इस बेचारी जलपरी के साथ लैब में वैज्ञानिक क्या कारनामा करेंगे। लगता है कि काट पीट कर इसकी जांच करते हुए वैज्ञानिक इस बेचारी को मार ही डालेंगे। मैक्सिकन एलियन, अब एलियन देखे जाने के दावे दुनिया भर से लोग करते आए हैं, परंतु कभी किसी देश की सरकार ने ये नहीं माना है कि एलियन वास्तव में पृथ्वी पर आते हैं। परंतु वर्ष 2023 में मेक्सिको देश की सरकार के अफसरों ने बाकायदा ये बयान दिया कि उनके देश में दो एलियनों के अवशेष मौजूद हैं। इन अवशेषों की आधुनिक मशीनों द्वारा बारीकी से जाँच की गई और जाँच करने वाले डॉक्टरों द्वारा ये दावा किया गया कि यह अवशेष यानी एलियन कभी जिंदा थे। डॉक्टरों के अनुसार इनमें से एक अवशेष के शरीर में गर्भ विकसित होने के सबूत भी दिखाई दे रहे थे। यानी एलियन ना सिर्फ हमारी धरती पर रह रहे हैं बल्कि संतान उत्पत्ति करके अपनी संख्या तक बढ़ाए जा रहे हैं। इन एलियंस के डीएनए की भी जांच की गई। इनका डीएनए इंसानों या धरती पर मौजूद किसी भी जीव से बिल्कुल ही अलग था। इनके हाथों में 5 की बजाय 3 उंगलियां ही हैं। इनके सर में दिमाग का हिस्सा हमसे 3 गुना अधिक बड़ा था। यानी ये एलियन बेहद ही बुद्धिमान जीव रहे होंगे। वैसे इन एलियंस की मौत किस तरह से हुई होगी इस बारे में डॉक्टरों की टीम कोई पड़ताल नहीं कर पाई। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन भी जरूर दबा दें ताकि इस चैनल पर आगे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।